आज हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इशू, यानी जिसे कहते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। तो पर्यावरणीय मुद्दे, मुद्दा क्या है पर्यावरणीय मुद्दा? तो इसमें हमको मुख्य रूप से पढ़ना है पोल्यूशन के बारे में। हम पढ़ेंगे पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के कारक क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप का पोल्यूशन होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो इसमें मुख्य रूप से हमको पोल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए पोल्यूशन का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन जो भूमि, जल एवं वायुमंडल में मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहते हैं। तो अगर हम इसको समझें, तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि हमारे एक पृथ्वी जो है एक विशाल इकोसिस्टम है, या कहें पारिस्थितिक तंत्र है, और यह अनेक छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्रों का बना हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में फूड चेन के स्टेप निर्धारित होते हैं, जिसमें हरे पौधे प्रोड्यूसर होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसी मात्रा में ऑक्सीजन निकालते हैं। इस प्रकार प्रकृति में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि किसी प्रकार यह संतुलन भंग हो जाए तो पृथ्वी के विशाल पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली भी भंग हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए अनेक ऐसे कार्य कर रहा है जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को निरंतर क्षति पहुंच रही है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी कि जैसे हमने इसमें पढ़ा इसका प्रदूषण का डिफिनेशन, तो उसमें क्या होगा, अवांछित परिवर्तन होगा। तो वो हो रहा है मनुष्यों को पारिस्थितिक तंत्र का लगातार यूज करने की वजह से। इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में हानिकारक गैसों एवं अन्य दूषित पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जैसे हम अगर देखें तो बड़े बड़े शहरों में वाहित मल या मल जल नदियों में गिराया जाता है और उसी जल को पुनः हम पीने के काम में लाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रायः हम अपने घरों एवं खेतों में विषैले कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जो धीरे धीरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में विषैले गैसें की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े वन काटकर वहाँ पर तेज रफ्तार में कारखाने भी खोले जा रहे हैं या नगर बसाए जा रहे हैं। तो इन सभी कारणों से प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। तो मानव के ऐसे कार्यकलापों से जल, मृदा और विभिन्न जन संगठन जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन सब का प्रदूषण हो रहा है। तो अगर हम देखें जो फिलहाल में चल रहा है, कुछ भी हो, कोरोना वायरस या जो भी हो, तो इसकी वजह से पूरा दुनिया बंद है और बंद होने की वजह से बहुत सारे कार्य बंद है। तो अगर हम देखें तो प्रकृति ने अपना संतुलन बहुत अच्छे से बनाया है। तो यहाँ भी हम आसानी से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार पूरे पर्यावरण को क्षति पहुँचाता रहा है या पहुँचाता है। तो उसके लिए बहुत हमने पढ़ा था कि बहुत सारे नियम भी बने हुए हैं और उसके कारण क्या क्या हैं। अब हम ये भी देखेंगे आगे कि किस प्रकार पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है और उससे किस प्रकार बचा जा सकता है। देखिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसमें से हमने एक ये भी पढ़ा था कि 1986 में एक नियम बनाया गया। तो वही प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया है, यानी एक नियम लागू किया। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स,
यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रदूषण के कारक या प्रदूषक। तो प्रदूषक क्या होते हैं? तो देखिए, पोल्यूटेंट्स ऐसे रासायनिक या अन्य पदार्थ होते हैं जो वातावरण के स्वाभाविक संतुलन को बदल देते हैं, या फिर हम ये कहें पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होना तथा उपयोगी पदार्थों की कमी होना प्रदूषण तथा प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ प्रदूषक के कारक या प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो देखिए, मानव की विभिन्न गतिविधियां जैसे जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, उद्योगीकरण आदि ऐसे पदार्थ वातावरण में अत्यधिक मात्रा में एकत्र होते जाते हैं, जिसके पुनः चक्रण तथा उपयोग के लिए तंत्र सक्षम नहीं हो पाता है, जिसके कारण जैव क्रियाओं एवं उनकी क्षमता में परिवर्तन होता है और वातावरण में प्रदूषण होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि पोल्यूटेंट्स को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन पोल्यूटेंट्स होते हैं और वो किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है।